हेलो फ्रेंड्स, कार्तिक एंड फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को हमारी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ मैं करने लग रही हूँ जन्माष्टमी की डेकोरेशन। आप देखिए और देखकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी जन्माष्टमी की डेकोरेशन जो है वो कैसी लगी। तो यहाँ पर मैं लाइट का जो सिस्टम है वो चेक कर रही थी कैसा है और कैसा नहीं है। इसके बाद में जो है मैंने कान्हा जी को लिया और उनको स्नान वगैरह करवाया, नए वस्त्र धारण करवाए और उनको झूले पर विराजमान किया। कान्हा जी की मालिश और इसके बाद जो है मैंने इनको नए वस्त्र धारण करवा कर झूले पर विराजमान किया। और फ्रेंड्स, ये जो आप झूला देख रहे हैं कान्हा जी का, ये मैंने खुद से बनाया है, बिल्कुल पूरा का पूरा जो है हैंडमेड है। और इसका जो मतलब क्या है कि मैं वीडियो बनाना बिल्कुल ही मुझे याद तो क्या मतलब ध्यान ही नहीं किया, मतलब मैंने कि चलो मैं इसका जो है DIY का अपना वीडियो बनाती हूँ, मुझे आइडिया आया ही नहीं। बल्कि मैंने जब कंप्लीट कर लिया ना तो उसके बाद में मुझे लगा कि मुझे इसका वीडियो बनाना चाहिए था और आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए था। पर चलो कोई नहीं, भूल गई, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी कोई एक्टिविटी करूँगी तो आप लोगों के साथ में ज़रूर मैं शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरा ये बनाया हुआ हाथ कान्हा जी का जो झूला है वो कैसा लगा। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी, आज के हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज का हमारा ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स जो भी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज है जन्माष्टमी और आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएँ, कृष्ण जी के जन्मदिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि कृष्ण जी तो सबके हैं और हमारे भी हैं। तो हमारी जो डेकोरेशन है वो आप लोगों ने देख ही ली होगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बनाऊंगी धनिया वाली पंजीरी का प्रसाद और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कैसे। और जो मेवा पाक होता है वो मैंने रात को ही बना लिया था, तो दिखाते हैं अभी आप। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैंने ये साबुत धनिया मंगाया था, इसको मैं अभी थोड़ा छान लूंगी ताकि इसमें कुछ मतलब होता है ना, कुछ कूड़ा वगैरह ना हो। और इसके बाद में इसको थोड़ा सा भूनेंगे हम। ये ऑलमोस्ट 500 ग्राम है, लेकिन मैं सारा प्रसाद नहीं बना रही हूँ, कुछ मैंने धनिया पिसा हुआ जो है मैं घर पे पीसती हूँ तो उसके लिए भी मंगवाया है। इसको थोड़ा सा भून कर पीसने का बेनिफिट ये होता है कि एक तो ये बिल्कुल टेस्टी आता है, इसमें जो एक अरोमा होती है वो निकल कर बिल्कुल अच्छी सी सामने आती है, खाते वक्त भी बहुत अच्छी लगती है। और मसाले के रूप में अगर हम इसको भून के थोड़ा सा और तब पीसते हैं तो क्या होता है कि मसाला जो है वो उसमें सीलन नहीं आती या वो चिपचिपा नहीं होता, वो ख़राब नहीं होता और वो कितने भी दिन हो जाए, वो कितने भी टाइम तक आप उसको स्टोर कर सकते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने गोला पिसा हुआ जो नारियल होता है, सूखा नारियल, वो पीस कर ले लिया है और उसमें कुछ बादाम मखाने वगैरह मिला लिए हैं। उनको मैंने मिक्सी में जो है थोड़ा दरदरा सा पीस लिया है और इसके बाद मैं इसको धनिया पाउडर में मिक्स कर दे रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 किलो बूरा ले ली है और इसमें मैं वो सारा पिसा हुआ धनिया और जो मेवे मैंने मिक्स किए थे वो मैं इसमें मिक्स कर दूंगी अच्छे से। इसके बाद मैंने जो है इसमें थोड़ा घी डालकर इसको अच्छे से मिक्स किया और बस हमारी पंजीरी का प्रसाद जो है बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लिप है ये रात की क्लिप है, यहाँ पर घी आकर से नारियल को कसने के बाद मैंने इसको मिक्सी में थोड़ा दरदरा पीस लिया। पीसने के बाद में जो है इसमें एक अच्छा टेस्ट आता है। और इसके बाद जो है मैंने थोड़े से बादाम और मेवा और मखाने लिए थे जो मैंने थोड़े से घी में फ्राई करने के बाद में मिक्सी में उनको दरदरा पीसने के बाद इसमें मिक्स कर लिया था अच्छे से। और मेवा वगैरह और गोला जो ये सारी चीज़ें हैं, वैसे हम इनको साबुत के साबुत भी बना सकते हैं, इसका भी टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन क्या है कि मुझे ये थोड़ा सा जब
मिक्सी में पीसने के बाद थोड़े दरदरे होते हैं, तो इनका टेस्ट और भी ज़्यादा खुलकर सामने आता है। तो बस इसीलिए मैंने इन सभी चीज़ों को भूनने के बाद में मिक्सी में जो है दरदरा पीस लिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया। और मैंने इनको कितना पीसा है यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने इनको बिल्कुल ज़्यादा महीन नहीं पीसा है, थोड़ा सा मोटा मोटा सा पीस लिया है मैंने इसको। और इसके बाद में मैंने इनकी नारियल पाक या मेवा पाक जो भी बोल सकते हैं बर्फ़ी बनाई, चाशनी बनने के लिए मैंने रख दी थी। और इससे आगे फ्रेंड्स मैं जो है क्लिप बनाना भूल गई और कुछ रात को देर भी हो गई थी तो मैं नहीं बना पाई। और आज का हमारा व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हमारे परिवार की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय।